देखियो साइंस यूनिट वन केमिकल इक्वेशन ये चो अच मैं एक क्वेश्चन आ एट्थ सिलेक्ट किया वा चार चीज़ा समझा उन्होंने कहा वा भी फिलहाल तो उन्होंने सानू इन्ना पूछा वा भी दसो केड़ी किस्म की रिएक्शन होंगी पई पर आप होर कि चीज़ा सानू लभ सकदियां वह भी लिखांगे जिन्ना उन्हों का आंसर आ उत्थों तक नहीं रहना। देखो पहले मैं इनू कंप्लीट कर लाँ टाइप ऑफ रिएक्शन इत्थे देखो दो जाने जुड़ के एक जाना बनाउंदे पए इदां ही हुंदा पिया ना दो जाने जुड़ के एक जाना बनाउंदे पए इस रिएक्शन नूं आपां कहिंदा वा कंबीनेशन रिएक्शन कंबीनेशन रिएक्शन ये गल क्लीयर हो जांदी दो जाने वेखो दो जाने जुड़ के कंबाइन हो के एक जाना बनाउंदे पए ते किहड़ी रिएक्शन है ये कंबीनेशन पर इत्थे देखो इत्थों तक ना रहो होर वेखो ये किहड़ी किस्म की रिएक्शन हो सकती इहदे विच हीट की लोड़ पैंदी पई है सेक आखो 3000 डिग्री सैलसीयस बड़ा ज़्यादा सेक हुंदा ये सेक की लोड़ इत्थे पैंदी आ ते जिथे हीट की लोड़ पवे हीट अबजॉर्ब होवे उन्हूं कहिंदा एंडोथर्मिक उन्हूं आपां की बोलांगे एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्ना समझाउंदा ठीक है। बाकी ये रिएक्शन हुंदी कित्थे भी पता होना चाहिदा ये हुंदी आ कह लो जिद्दां जदों बड़ा ज़्यादा टैंपरेचर एक चाहिदा ते एक वेखो हवा च नाइट्रोजन गैस हैगी तो हवा च ऑक्सीजन गैस भी हैगी दोनों कंबाइन हो जाए पर हवा च इन्ना तापमान नहीं है फिर ये इंडस्ट्रियल प्रोसैस हो सकता किसी फैक्टरी के आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन किन्ने हाई टैंपरेचर से कंप्रैस करके तो आ चीज़ बना सकते होवे ठीक। यदा देखो ये चीज़ जो बन गई नुकसान की आ एनओ का की ड्रॉबैक हों नुकसान की हों वा मैं इतने ड्रॉबैक लिखदा वा की नुकसान है यदा ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड आदा नुकसान की हुंदा वा ये ऑक्सीजन ना कंबाइन हो के ऑक्सीजन ना कंबाइन हो के जा कह लो ओजोन ना कंबाइन हो के जा मैं सीधा लिख दिना इट डिप्लीट्स ओजोन लेयर ओजोन लेयर फिर ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं हैगा ये साड़ी ओजोन लेयर नूं नुकसान पहुँचाउंदा ओजोन पता ना ओजोन की आ ब्लैंकेट जिदा एटमोसफेयर की एक लेयर आ ओजोन लेयर जी सू हाई फ्रीकुएंसी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है। तो ओजोन लेयर एक ही करता वा डिप्लीट नुकसान पहुँचा वा अगे देखियो पहलो तो इन्हों के आंसर तक आइए आ कि किस्म की रिएक्शन हो सकती ये देखो होया कि एन ए ने ए जी की जगह ले ली तो ए जी जेड़ा वो एन ए की जगह पर पहुँच गया इदा ही होया ना आखो एन ए इतें आ गया तो एन ए एन ओ थ्री बन गया सी एल के नाल अगे एन ए लगा तो हूँ सी एल के नाल केड़ी चीज़ लग गई ए जी जो इदा की चीज़ होवे ना आयन एक्सचेंज हो जाए आड़ा आयन इतने आ गया आड़ आयन इतने हो गया इनू कहता म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयनस तो इनू केड़ी टाइप कहने डबल डिसप्लेसमेंट ये हैगी जे डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन फिर मैं तुहानू कहा भी लिमिटिड ना रहो होर वेखो तुहानू इत्थे की लभदा जिहड़ा ए जी सी एल हुंदा ना ये हुंदा प्रेसिपिटेट आ मैं एरो जे थल्ले नू पाउना ना इहदा मतलब ए की बन गया पी पी टी प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट किन्ना नू कहिंदे आ जिहड़े किसे दे विच नहीं घुलदे जिद्दां पानी दे विच तुसीं शूगर पाओ घुल जांदी ना नमक पाओ घुल जांदा पर इहो जिहियां चीज़ां हुंदियां जिहड़ियां किसे भी लिक्विड दे विच नहीं घुलदियां उहनां नू आपां की बोलदे प्रेसिपिटेट ए जी सी एल की बनिया वा प्रेसिपिटेट तो फिर इस रिएक्शन नू होर की कहांगे आपां प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रिएक्शन नू आर एक्स एन ही लिख लिया करिए होया क्लीयर थोड़ा क अगे देखियो इत्थे की हुंदा पिया एक जाना तीन जाणियां च टुटदा पिया
एक जाना उन्हूं सेक दिता तो तीन जाणियां च टुट गया तो इनू कही दा डीकंपोजिशन। जदों दो तीन जाने जुड़ के एक जाना बनाउण ते उन्हूं कही दा कंबीनेशन। जदों एक जाना अगे टुट जे उन्हूं आपां की बोलदे आ डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यह कि डीकंपोजिशन आ सेक वाली हीट दिने पे इनू कही दा थर्मल डीकंपोजिशन। जिथे तुसीं बिजली दे झटके ना तोड़ोगे उन्हूं कही दा इलैक्ट्रीकल डीकंपोजिशन। तो इत्थे तुसीं सेक दे के फिर इनू तोड़दे पए आ तो सेक नूं आपां कही दा थर्मल हीट नूं थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कह सकदे। होर इत्थे हीट चाहीदी आ ते जिथे हीट चाहीदी हुंदी उहनूं की कही दा एंडोथर्मिक। इहदा तीजा नाम आ गया इहनूं एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकदे, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते। क्लीयर? आ देखो लास्ट आ हुंदा जी जिदा कह लो कली होंगे ना वाइट वाश, जिदा आप पेंट करते हैं आ थैला जिहड़ा हुंदा कली दा वह हुंदा जी कैल्शियम ऑक्साइड। इहदे विच पानी पाया तो आ वाली चीज़ ते नाल हीट बाहर निकली। इत्थे हीट पहलों देंड है इत्थे हीट बाहर निकल दी। जिथे हीट बाहर निकले वह कि रिएक्शन होंगी एक्सोथर्मिक। एक्सो आ एंडो जे एंडो च सेक पहलों दिता, एक्सो च सेक बाहर निकलता रिलीज हुंदा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रख लियो आ जिहड़ा सी ए ओ वा सी ए ते ओ, सी ए ओ नूं कहीदा जे क्विक लाइन, क्विक लाइन इनू यूज करदे वाइट वाश ली। ते जिहड़ा सी ए ओ एच टू बनिया इनू कहीदा स्लेक्ड लाइन, इनू आपां की बोलदे आ स्लेक्ड लाइन। तो इन्होंने हीट प्रोड्यूस की थी, एक केड़ी टाइप है एक्सोथर्मिक। क्लीयर?